शैतान, कितनी बार तुझसे कहा है कि सुरेव से मत बातें किया कर, वो तुझे भी अपने जैसा निकम्मा बना देगी, फिर खेलेगा उसके साथ? नहीं माँ। शैतान, कर लिया बर्तन साफ? जी माँ जी। तो वो क्या है? ये लड़की तो घर के बर्तन तक फेंक देगी, भगवान जाने ये छोकरी किस जन्म के पाप का फल है। तंखे फिर सारे बर्तन जूठे करती है, तूने से इसे ढूंगी चमार का घर समझ रखा है। चल इन सब को फिर से साफ कर, और अब कि मैंने तुझे बर्तन बनाते हुए देखा तो चुप कर। छोकरी को तो मौत आ जाए तो मेरा पिंड छूटे। तुम मुझे चैन से मरने भी दोगी या नहीं? तुम चुप रहो जी, इतनी कमजोर हो गई ये छोकरी कि जरा सी मैं इधर उधर हुई नहीं तो भाग की कहानियां सुनने के लिए। इसने तो मेरे शंकर को भी अपने जैसा बना लिया है। तुम खामखा उस बेचारी पर जुल्म कर रही हो, मौत के करीब आकर थी, शायद मेरी जान इसलिए अटक रही है कि मैं उस मासूम को अकेला तुम्हारे पास छोड़ना नहीं चाहता। बहुत बातें करने से तकलीफ होगी, दवा पीकर सो जाइए। आज तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगा। वो मेरे दोस्त की बेटी है जो मर के वक्त अपनी जायदाद समेत उसे मेरे पास इसलिए छोड़ गया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, मगर तुम इस जायदाद के साथ उसकी बच्ची को भी खा जाना चाहती हो। मैं दूसरी दुनिया में अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे मरने मरने की बातें अच्छी नहीं लगती, और ये जायदाद का मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हारे ही बेटे के लिए तो संभाल रही हूं। कमला चलो धायमा से कहानी सुने। कान अच्छा हो गया है क्या? अरे धूल भी जल गई, माँ पिताजी को गीता सुना रही है, अभी मौका अच्छा है, चलो।
दाई माँ। अरे तुम दोनों फिर इकट्ठे आ गए। माँ जी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या जाएगा, ये बेचारे मुफ्त में पिट जाएंगे। माँ जी तो हमें देख ही नहीं सकती, वो तो पिताजी को गीता सुना रही है। और धर्मा तुम हमें पिटने थोड़ा ही दोगी, शैतान कहीं का। धर्मा कहानी सुनाओगी? अच्छा चलो बैठो इधर। तो कौन सी कहानी सुनाओ? वही परियों की शहजादी वाली। हाँ हाँ वही, जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है और वो। चुप करो कहानी सुनो। अच्छा तो सुनो। एक थी परियों की रानी, उसकी एक छोटी सी लड़की, बड़ी सुंदर, बड़ी जबर, उसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। खास तौर पर एक राजकुमार से उसकी बड़ी दोस्ती थी। वो कई बार अपने उड़ने वाले घोड़े पर बिठाकर उसे दूर दूर की सैर को ले जाता। जब वो नहीं आता तो वो अपने महल पर चढ़कर उसे बुलाने के लिए एक गाना गाती और वो राजकुमार जहाँ कहीं भी होता वहाँ से उड़ता हुआ चला आता। पर एक दिन जब वो अपने महल में सोई हुई थी तो एक चुड़ैल उसको पकड़ कर खा जाने के लिए अंदर आ गई। में खेल रचा
हो अपनी दुनिया निरानी, जग से निराला अपना प्यारा जा, आजा बसा ले नया संसार। धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा आजा बसा ले नया संसार। क्या है? माँ ने कमला को कमरे में फिर बंद कर दिया है, उसे वहाँ डर लगेगा, आप उसे छुड़ा दीजिए ना। वो तो उस बेचारी की जान लेने पर तुली हुई है। बिंदु की माँ, तुम से जाकर वहाँ से निकाल लाओ ना। चलो बेटी, पिताजी मुझे बुलाए। चल। मेरे करीब आ मेरी बेटी। मैंने तेरे पिता से बहुत वायदे किए थे, मगर अब मैं पाहच हो गया हूँ। सोचता हूँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आपकी तबीयत अच्छी नहीं, सो जाइए। सोना तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूँ, मगर क्या करूं जब तुझे यहाँ शांति नहीं, तो मुझे मौत में कहाँ आराम मिलेगा। मालिक, आप ही ऐसी बातें करने लगे तो ये किसका सहारा ढूंढेगी? जिनके सब सहारे टूट जाते हैं उन्हें भगवान का सहारा होता है। बेटी, मैं तुम्हें उन्हीं के हवाले करता हूं। भगवान की मूर्ति कहाँ है? मूर्ति कहाँ है? मुझे मूर्ति क्यों नहीं दिखाई देती? हिंदू की माँ, जरा तुम मूर्ति को यहाँ ले आओ। जब भी मैं बहुत परेशान हुआ हूं, मुझे इन्हीं के चरणों में शांति मिली है। बेटी, तुम भी इन्हीं के चरणों का आसरा लेना। शंकर, मेरे पास आओ, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बात की लाज रखना। कमला को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, भगवान इस बात के साक्षी है। उनके सामने वादा करो बेटा, तुम कमला की जायदाद को माँ के हाथों से बचाओगे। चुड़ैल, तू वहां से फिर निकल आई? हम यहां जादू कर रहे हैं। अच्छा, छोड़ दे,
छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। जब तक शंकर के पिता जीते थे हम किसी न किसी तरह गुजर बसर कर ही लेते थे, लेकिन अब मैं अकेली और साथ अपना बच्चा भी पालना मुश्किल है। अब उस यतीम को कहां से खिलाऊं? आप चिंता न करें, हमारे आश्रम में आकर ये बच्ची इतनी शांत हो जाएगी कि आपको ये मालूम होगा जैसे कि इसके शरीर ही नहीं। तो मैं उसे बुलाऊं? हाँ जरूर। कमला, आदमी मर के कहाँ चला जाता है? भगवान के पास। भगवान आदमी को मार देता है ना, तो उसकी मूर्ति क्या करती है? पिताजी कहते थे कि इसे पास रखने से टाइम नहीं लगता, शांति मिलती है। पिताजी के बनने के बाद मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मूर्ति अपने कमरे में ले जाओ ना। और तुम? मुझे भगवान के चरणों का फूल दे दो बस। कमला, तुम कहाँ थी बेबी? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। देख तो सही क्या बाल दिख रहे। लाओ मैं ठीक से बना। जाओ शंकर, तुम भी नहा धोकर तैयार हो। इन्हें प्रणाम करो बेटी। सुना है कि तुम बहुत शरीर लड़की हो, लेकिन आज से तुम्हें बेट की तरह सीधा होना पड़ेगा। मेरे इस बेट की तरह। चलो मेरे साथ। कमला, पास नहीं जाना चाहती, वापस जाने का नाम लो तो रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था बड़ी माँ कि वो इस संसार की आत्मा नहीं दिखाई देती, वो तो देवलोक से केवल शंकर भगवान की सेवा के लिए आ गई है। उसे पुजारण बना लो माँ। हमारे साथ रहोगी, भगवान की सेवा का प्रण लोगे? तुम भी मुझे यहाँ बंद तो नहीं करते? ये तो भगवान का घर है, यहाँ किसी के मन पर जोर नहीं किया जाता।
माँ यहाँ आके मुझे मारे थी कि नहीं? जब प्रभु भक्ति का व्रत ले लेते हैं उनके स्वयं भगवान ही रक्षा करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। प्रजापते स्वाहा ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभा स्वस्ति न भूता विश्वरेदा स्वस्ति न सायि ओम नमः कमला, प्रभु दासी बनने से पहले इस संसार से मोह ममता की जो यादगार तुम्हारे पास हो वो इन पतित पावन अग्नि देवता के अर्पण कर दो। वो सारे पापों को स्वीकार करके तुम्हें पवित्र कर देंगे। तुम्हारे ये कपड़े, ये आज तक के बंधन सब अग्नि देव के चरणों में समर्पण करने हैं। जय शंकर। दर्शन प्यासी आई दासी जगमग दी।
शंकर के सिवा मेरा कोई नहीं माँ, उन्हीं के चरणों में तो सौंप चुकी हूँ मैं अपने आप को। यही मैं कहने आई थी कि तुम भगवान की गुजारन हो चुकी हो, अब तुम्हें प्रभु चरणों के सिवा और कुछ भी अपने मन में रखने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्यादा का पालन करो बेटी, अपने मन को पवित्र करो। अब भी अगर इसमें कोई बुराई, किसी पाप की छाया या कोई याद बाकी है तो उसे अपने सीने से निकाल दो, इसी में कल्याण होगा। परसों भी कई बहारें आई और लौट गई, कई तूफान कई वलवले उठी और वक्त की गोद में मुंह छुपा के सो गई, मगर उसकी याद को वो अपने दिल से निकाल नहीं सका। वक्त की बेरहमियों ने उसकी आंखों से नूर छीन लिया था, उसके होंठ मुस्कुराते मगर उसका दिल रोता था। कोई नहीं जानता था कि उस खूबसूरत जिस्म के अंदर कितना जहर भरा हुआ था। कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई, वो उसकी दौलत और उसके रंगीन चेहरे को देखकर उसके पैर बदल पड़े, वो दिल ही दिल में उन पर हंसता था, वो सारी दुनिया से बदला ले रहा था। फिर क्या? अब तो आगे चल के पता चलेगा। अक्सर आसानी इसी में होती कि कुछ भी पता नहीं चलता, बहुत कुछ जान लेना एक बोझ होता है। शंकर, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना?
तो इसे मेरे बालों में लगा दो, लगा दो ना। बागनी से एक फूल से तुम्हारा क्या होगा? हीरे मोतियों के जेवर मांगो जिन्हें पहन के तुम लोगों का सब कुछ लूट लेते। हमने किसी का क्या लूटा? मैं तो हमसे पूछो, इस एक फूल के सिवा तुमने हमारा सभी कुछ तो लूट लिया। तुम्हारी बातों में कितना रस, तुम्हारी आंखों में कितना जाग, और मेरी जागीर भी बहुत सुंदर है। उसमें चांदी के खेत हैं और सोने के जंगल हैं। तुम हमेशा मुझे अपनी बातों में उलझा देते हो, बुरे हो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? ये नई चिड़िया का फांसी है ठाकुर, तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, चले जाते हैं, चले जाते हैं। जागीर पर मुलाकात होगी। वाह, हर किस मंजर में तुमसे कहे क्यों नहीं जाना? मार डालोगे क्या? हाँ? क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़े दिनों के लिए जागीर जाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमें भी ले चलिए, इसी बहाने से हम भी जागीर देख लेंगे। चलोगे ना? साथ दोस्तों को भी ले चलेंगे, अच्छी खासी पिकनिक हो जाएगी। बेटी, आपके पूर्णमासी पर कमलपुर के उत्सव पर चलना होगा। कैसा उत्सव बड़ी माँ? हर साल फसल पक जाने पर वहाँ के किसान अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। इस साल हमें भी निमंत्रण आया है। कब चलना होगा? 13वीं की रात को चलना होगा। जय शंकर। आओ बहन, अच्छे तो हो, शंकर की दया है। ये ठाकुर साहब की माँ है, इन्हें प्रणाम करो बेटी। ठाकुर साहब की माँ, जय शंकर माता जी। अजीब बात है, ठकराइन को देखकर मुझे यूं लगा जैसे वो हमारी पुरानी नौकरानी हो। बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। चुप करो बेटी, वो तो ठाकुर साहब की माँ है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? एक शक्ल के दो आदमी भी तो हो सकते हैं, और फिर तुम्हारी नौकरानी की शक्ल इतने वर्षों में वही रही होगी। हाँ, भगवान जाने अब वो इस दुनिया में होगी भी या नहीं। क्या देख रही हो बेटी? वो फूल कितने अच्छे हैं। तुम उदास हो गई हो, तुम्हें कुछ बीता हुआ याद आ गया है। नहीं तो बड़ी माँ, बीते हुए दिन और बिछड़े हुए साथी याद करने से लौट थोड़े ही आते हैं, और मैं उन्हें याद करके क्या करूंगी? मैं तो ये देख रही थी
इतना सुहाना समय है, इतनी अच्छी क्यारियां हैं। अगर आप आज्ञा दी तो मैं बाग में घूमाऊ। जरूर घुमाओ बेटी। स्वर्ग में पहुंच गया? नहीं, आप घोड़ा बिदक गया था। आप ये फूल तोड़ना चाहते थे। फूल तोड़ने गया, गिर ही पड़ा। क्यों? मेरे रास्ते में जो खूबसूरत फूल आता है मैं उसे तोड़ लिया करता। और आप भी तो कुछ कम खूबसूरत नहीं है। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रही है, मुझे जानती है? मालूम होता है आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कब देखा? मुझे नहीं देखा होगा, मेरी दौलत की शोहरत सुनी होगी। आपने मुझे गलत समझा है। आप हैं कौन? जाने नहीं तो मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, वहीं से कुछ लाभ होगा आपको। यहाँ जंगल में मारे मारे फिरने से क्या मिलेगा? कहिए मोनी देवी, मिजाज कैसे हैं? आपको देखने के लिए तो आंखें तरस। कहिए, ये कुटिया पसंद आई आपको? ओह इट्स हेवन, मेरा तो यहाँ से जाने को जी नहीं करेगा। जाने के लिए कह ही कौन रहा है, मेरे दिल से पूछिए, उसकी हर धड़कन से यही आवाज आ रही है कि तुम सदा के लिए यहीं रह जाओ। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, आपके दिल में मेरे लिए जगह ही कहाँ। अरे दिल में ना सही, मकान में तो है ना। अचानक आ गए हैं, मेहमान भी ज्यादा हैं, उन सबका नीचे इंतजाम करना होगा।
तुम्हें अगर ऊपर कमरा दिया जाए तो कोई हर्ज है? चल। Thank you.
तुम यहाँ? मुझे इन चीखों से डर लग रहा है। कौन है ऊपर? एक चुड़ैल का भूत है। भूत? यहाँ भूत रहते हैं? हाँ, वो ऊपर की मंजिल में है, नीचे नहीं आता। तुम डरो मत। तो फिर ठाकुर साहब ऊपर क्यों गए? अब क्या बताऊं? जब तक ठाकुर ऊपर न जाए और वो चुड़ैल उसे देख न ले, वो अपना हल्ला चिल्लाना बंद नहीं करती। तो ऊपर मत जाया कर बेटा। ये कौन? पुजारी है। अंदर जाइए आराम कीजिए। सब यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं आप? ये पुजारी ने न जाने तुम कहां से इकट्ठी कर लाती हो? ये घर है, ये मंदिर है। जान मूर्तियों के टुकड़े करने से क्या मिलेगा तुझे? जब मेरी अपनी जिंदगी के टुकड़े हो गए हैं, मैं हर चीज के टुकड़े कर दूंगा। मगर इससे तो शांति नहीं मिल सकती बेटा। शांति मेरे नसीब में है कहां? ये जो तू शहर शहर भटकता फिरता है, इसी से और परेशान होता है। भटकता कहां? मैं तो अपनी मौत से भागता फिरता हूँ, पर अगर मैं यही रहा तो एक दिन ये मेरा खून तक पी जाएगी। मैं छोड़ दो, यहां तो रोज नए जख्म लगते रहेंगे। तुम कब तक भरती रहोगी? अंदर आ सकती हूँ? आइए। क्या बात है ठाकुर साहब, क्या आज किसी और को अंदर बुलाते हुए भी झिझक रहे हैं? ऐसा कौन है अंदर? अंदर मेरी तबाही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है, वरना आप इस तरह दरवाजे के सामने ना खड़े रहते। गोया किसी का अंदर आना आपको पसंद ना? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि कभी कभी कोई चमन ऐसा भी वीरान हो जाता है कि वो अपने यहां बाहर को बुलाते हुए शर्माता है। खैर, ये तो बताओ जाने बाहर कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस वक्त तुम्हारी किसी को सख्त जरूरत है? जाइए, ऐसे मीठा झूठ ना बोलिए। अगर आपको किसी की जरूरत होती तो आपके पाँव में मेहंदी नहीं लगी हुई थी और ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी, समझा आप अभी तक जाग रहे हैं, चुनांचे ये पूछने चली आई कि आपको अभी तक नींद क्यों नहीं आई। ऐसा सवाल पूछ रही हो कि जिसका मैं खुद जवाब ढूंढ रहा हूं। अक्सर सोचता हूं मगर कुछ समझ में नहीं आता,
और फिर झुंझला के यही जी चाहता है कि तुम जैसे किसी शोख हसीना की गोद में जाके सर रख। ये भी झूठ है, वरना कोई पहरों आपका इंतजार करता रहे और आप आए नहीं। आपने मुझे कमरा दिया, वो भी नीचे दूसरे मेहमानों के साथ, और उस पर जुल्म ये है कि खुद आकर कमरे में छुप जाते हैं और मेरे कमरे में भेज देते हैं जाननी को मुझे जलाने के लिए। आग में इतनी खूबसूरत जाननी मुझसे अकेले में नहीं देखी जाती। बस यही कहने आई थी। दुपट्टा फेंक के मुझे बुलाया और मैं आ गया। जी नहीं, मैंने तो आप... मैं आपको गलत समझा। जी हाँ, आप गलत समझे। मैं औरत को कभी गलत नहीं समझा। ये मुलाकातें जो इत्तेफाक से हो जाया करती हैं, इनमें तकदीर से ज्यादा अक्सर औरतों का अपना हाथ होता है। अब उस दिन इत्तेफाक से आप उसी जगह खड़ी थी जहां से होकर मुझे गुजरना था। ये भी इत्तेफाक है कि आप उसी जगह आकर ठहरने जाना खुद है, और ये भी इत्तेफाक है कि आप अक्सर मेरे करीब से होकर गुजर जाया करती हैं। आज जब मैं बाग में बैठा हुआ चाय पी रहा था, तो ये भी इत्तेफाक था कि आपका दुपट्टा आपकी बाहों से निकल के मेरे आगोश में आ गया। ये भी इत्तेफाक है कि आप इस कदर खूबसूरत हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं जिंदगी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, अंधेरे से नहीं डरता। डरता हूँ तो सिर्फ खूबसूरती से, सिर्फ खूबसूरती से डरता हूँ। आज रात सौ के बाद मैं आपसे मिलूंगा, भूलिएगा नहीं।
मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आज आपने मेरी जिंदगी बचाई है। बचाने वाले भगवान तो आपके हाथ में है। मैं कौन? हाँ ये तो है, इन्होंने बचपन से आज तक मुझे कई बार कितनी ही तरह बचाया है, पर आज आपने कहीं इस मूर्ति और आप में कोई संबंध तो नहीं है? है, शायद आप भूल गए। क्या? यही कि मैं पुजारण होने के नाते शंकर भगवान की दासी हूं। अरे ये क्या हुआ? आग लग गई थी। कैसे? कोई दिल में आग नहीं लगा सका तो बिस्तर ही जला गया। आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचते हैं। ये बताएं, आप तो ठीक ठाक है ना? मुझे तो जलने की इतनी आदत हो गई कि अब आग का पता ही नहीं चलता। साथ के कमरे से पुजारण आ गई थी, नहीं तो न जाने क्या होता। लेकिन इस पुजारण को आपका इतना ख्याल कहाँ से हो गया जो आधी रात गए आपके कमरे में झांक रही थी? कहीं आग इसी की लगाई हुई तो नहीं? शंकर, तुम्हें क्या हो गया? कहीं इस मूर्ति और आप में कोई संबंध तो नहीं है? शायद आप भूल गए। कौन है? मैं ठाकुर। क्या बात है? कुछ नहीं, यही बरामदे में घूम रहा था, आपके गुनगुनाने की आवाज सुनकर सोचा पूछूं तो क्या अभी तक सोए क्यों नहीं? आप क्यों नहीं सोए? सोता कैसे, बिस्तर सब जल चुका है, फर्श पर सब पानी फैला हुआ है। तो नौकरों को जगा दीजिए ना। नौकरों के सब क्या है, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती, मगर आप अब तक क्यों नहीं सोए? मैं चांदनी देख रही थी, बड़ी अच्छी लग रही है। चांदनी देखनी हो तो इसको बाग में चल के देखिए। बाग में? दिन के वक्त तो फूल अच्छे लगते ही हैं, मगर चांदनी में देखे तो यूं लगता है जैसे नन्हे नन्हे शोक फरिश्ते दूध के दरिया में तैरते फिर रहे हो। आपने जब उस मूर्ति को सीने से लगाया हुआ था तो एक बार तुम्हें समझा कि क्या समझा? यही कि आप कोई पुजारण है। वो तो मैं हुई। आपकी आवाज पहचानी सी मालूम होती है, सुनता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कई सालों के उस पार बचपन के किनारे से कोई आवाज दे रहा हो। मगर वो किनारा बहुत दूर रह गया ठाकुर साहब। क्या मतलब? कहते हैं जब कश्ती जवानी के किनारे पर आ जाए तो वहां आदमी नई आवाजों से प्यार करने लग जाता है, वहां उसे शादी के बाजे सुनाई देते हैं, फिर उसे पिछले किनारे की आवाजों का ख्याल नहीं करना चाहिए ठाकुर साहब। ये आप कैसे कह सकती हैं? अगर आप ही किसी मजबूरी से एक किनारे पर रह जाती
और आपका साथी वक्त की लहरों पर बहता हुआ किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, तो क्या आप उसे वापस बुलाने की कोशिश न करती? नहीं, मैं ये बेवकूफी कभी नहीं करती। इसे आप बेवकूफी कहती हैं? वो क्यों? क्योंकि जिंदगी और वक्त का दरिया ऐसा है ठाकुर साहब, आदमी एक बार उसे लांग जाए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, और जो आदमी दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहां के नए साथियों के साथ खुश हो, उसे कोई सिर्फ अपने लिए फिर से तूफानी लहरों में डाल दे, उससे बड़ा खुदगर्ज कौन होगा? अब तो आपके मन को बहुत शांति होगी। अपने प्रभु के चरणों में पहुंचकर किसके मन को शांति नहीं मिलती? क्या आपके मन को नहीं? भगवान की मूर्ति तो आप हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते हैं, फिर भी नहीं? इससे तो बेचैनी और भी बढ़ती है। थोड़े दिनों में आपकी शादी हो जाएगी, फिर ये बेचैनी भी दूर हो जाएगी। ये आपसे किसने कह दिया कि शादी कर लेने से इंसान को शांति मिल जाती? तो फिर आप शादी कर ही क्यों रहे? हर छोटी बात में आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी होने वाली बहू पसंद है या नहीं। देखिए, मेरे सवाल को टालिएगा नहीं और साथ ही होकर झूठ भी नहीं बोलिएगा। आपको मेरी कसम अगर न बताएं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। अच्छी औरत मिल ही न सके तो संसार में अच्छी औरतें नहीं है क्या? जो हैं वो आपकी तरह साध्वियां हो जाती हैं, जिनसे कोई शादी ब्याह की बात भी नहीं कर सकता। खैर छोड़िए इन बातों को, आप ये बताइए कि वो अच्छी औरत क्यों नहीं है? आपने इल्जाम उस पर कैसे लगा दिया? क्योंकि मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि वो औरत हर अमीर आदमी को अपना शिकार बनाकर उसका धन दौलत लूट लेती है। यही उसका पेशा है। मैं सब कुछ जानता हूँ, कहिए तो उन सबके नाम भी गिनवा दूं जिन पे ये पहले हाथ साफ कर चुकी। और फिर भी आप शादी कर रहा हूँ? इसके बाद वो मेरी दौलत चाहती है तो ठीक है, मुझे दौलत से कोई प्यार नहीं। इस दौलत ने मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और अब मैं इससे बदला ले रहा हूँ। मैं उसे चंद आरजी और नकली खुशियों के एवज लुटाकर दौलत से उसकी इज्जत और कलकार छीन रहा हूँ, ताकि मुझे देखकर फिर दुनिया में कोई दौलत की इज्जत न कर सके। मगर इस तरह आपकी अपनी इज्जत भी तो चली जाएगी। तो क्या होगा? जब मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली गई है तो अब मैं एक मुर्दा सी इज्जत का तमगा लेकर क्या करूंगा? दुनिया में असली शांति किसी के सच्चे प्यार नहीं मिल सकती। इसके बगैर दुनिया जिसे शांति कहती है वो शांति एक थकन, शकस्त या मौत का दूसरा नाम है। और अब मैं एक मुर्दा इज्जत की लालच में किसी औरत के हाथों शकस्त खाने के लिए तैयार नहीं। मैं औरत की कमजोरी को अच्छी तरह जान गया हूँ। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पैसे का लालच है, और अब मैं इसी हथियार से उससे बदला ले रहा हूँ। मगर सभी औरतें तो एक सी नहीं हुई, औरत आपकी माँ भी तो है। माँ? दुनिया भर की पुस्तकों में माँ की तारीफ लिखी है, मगर मैंने अपनी माँ को भी इसी लालच में गिरफ्तार किया। आपकी माँ तो कितनी भली है। वो मेरी माँ नहीं, वो तो धाय माँ है। मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। आपने मंदिर की चार दीवारी में जिंदगी बिताई है, आप मेरी कहानी नहीं जानती। एक बहका हुआ इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो देता है, वो तारीकी में बढ़ता चला जाता है, ठोकरें खाता है, मगर उसके पास उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। मुझे अपने गुनाहों से इनकार नहीं है, लेकिन अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी क्या यही कुछ न कर? भगवान आपको सच्चे। ठाकुर साहेब। क्यों? पति पत्नी के रंग में भंग डालना नहीं।
यूं कहिए कि मेरी बेइज्जती का बोझ बांटने की हिम्मत नहीं। मिलने की आशा थी मां, मगर अब वो आशा भी मुझसे छिन रही है। मगर क्यों? क्या उसे पता नहीं चला कि तुम शंकर हो? मेरा ख्याल है मुझे पहचान गई है मां। तो फिर वो अपना आप मुझसे छुपा रही है। वो तुमसे मजाक करती होगी। खैर, मैं अभी जाकर उसे भी ऐसा मत करना ना। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग उसे पहचान गए तो यहां से भाग जाएगी। मगर क्यों? इसलिए कि वो मुझे एक बात की राबर इंसान समझती है। वो सोचती है कि अगर मैं मोहनी से ब्याह करने वाला हूं तो मुझे उससे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं। प्यार करने का अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता बेटा, सिर्फ प्यार की कीमत मांगी जा सकती है। और मुझे एक बार उसे बता लेने दे कि तुमने प्यार की कितनी बड़ी कीमत अदा की है। ऐसा कुछ मत करना। अगर एक बार वो यहां से चली गई तो मैं जिंदगी भर उसे नहीं देख सकूंगा। तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि उसे कुछ दिन और यहां रोक लो, ताकि अपनी किस्मत का आखिरी दाव लगाने से पहले मैं उसे जी भर के देख तो लूं। ठाकुर साहब, ये क्या राइडिंग के लिए घोड़े और मेहमान आपके नीचे राह देख रहे हैं और आपने अभी तक तो कपड़े भी नहीं बदले। मैं आज आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। क्यों? मंदिर में पूजा करने जाना है क्या? नहीं, एक मजारे ने किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जिस बेचारे की जमीन छिन गई है वो शिकायत तक नहीं कर सकता। तो फिर मुझे उसका इंसाफ करने जाना है। कितने जालिम हैं आप और लोग हैं कि आप ही से इंसाफ मांगते। कब लौट लोगे? क्यों? हमसे और इंतजार नहीं होगा। कौन किसका इंतजार करता है ये तो भगवान ही जानता है।
एक जोशी आए हैं, आप हाथ दिखाएंगे? नहीं, मुझे किसी जोशी की जरूरत नहीं। ज्योतिषी की किसे जरूरत नहीं? हर आदमी वक्त से पहले अपनी किस्मत का हाल जानना चाहता है। मगर वक्त ने जिसकी किस्मत को पहले ही लूट लिया हो, उसे अपनी बर्बादी का हाल जानने के लिए किसी जोशी की जरूरत नहीं। हम गए हुए वक्त का मातम नहीं करेंगे देवी, हम तुम्हें आने वाले दिनों का हाल बताएंगे। आने वाले दिनों में अब क्या रखा है? जो था वो बीते दिनों में ही था और उन्हीं के साथ चला गया। जो चला गया है वो लौट के भी आ सकता है। गया वक्त कब लौट के आया है? मगर गए दोस्त तो लौट के आ जाते हैं। वो प्राणी जो आज सुबह यहाँ से चला गया है, क्या उसके लौट आने का इस वक्त में इंतजार नहीं है? ज्ञानी महात्माओं से झूठ नहीं बोला करते। मैं तुम्हारे माथे की लकीरों से बता सकता हूँ कि तुम इस वक्त जिसका इंतजार कर रही हो, तुम्हारी आत्मा जिसके लिए बेचैन है, तुम उसी से धोखा कर रही हो। मैं धोखा कर रही हूँ, यही तुम्हारा ज्योतिष कहता है? हाँ, ज्योतिष यही कहता है कि तुम धोखा कर रही हो। बताओ, क्या इस वक्त तक तुम्हें उसे पहचाना नहीं? देखो पुजारिन, महात्माओं से झूठ नहीं बोला करते। हाँ, पहचाना है। तो फिर तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? आज उसके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, और जिस दिए से उसका घर रोशन हो सकता है, उसे तुम अपने दामन में छुपाए हुए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यही तुम भूलते हो जोशी। कभी तुम उसका हाथ देखो तो तुम्हें पता चले कि उसने अपने घर में कैसे कैसे चांद और सूरज इकट्ठे कर रखे। वहां मेरे छोटे से दिए की हस्ती ही क्या है? लोग मुझ पर हंसेंगे। लोग तुम पर नहीं हंसेंगे। लोग उस पर हंस रहे हैं जो जुगनुओं को इकट्ठा करके अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद भी अपने आप पर हंस रहा है, मगर तुम तो उस पर रहम खाओ। उस पर रहम खाने के लिए कह रहे हो या उससे रहम की भीख मांगने के लिए? भीख तो वो खुद तुमसे मांग रहा है। तुम एक पत्थर की मूर्ति के लिए आंसू बहा सकती हो, लेकिन क्या एक बदनसीब इंसान के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि जो एक बार लड़खड़ा कर गिर पड़ा हो किसी और भी गहरे खंड में चला जाए? ऐसा ना कहो। तुम तो संसार का कल्याण करने के लिए दशाधी बनी हो ना, लेकिन तुमसे एक आत्मा भी संभाली नहीं जाती। अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे बस में होता तो एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने देती। मैं उसे अपने दामन में छुपाकर इन जहरीली हवाओं से कहीं दूर ले जाती। मैं उसे इस रोशनी से बचा लेती जो उसे अंधा किए दे रही है। वक्त उसे फिर तुम्हारे कदमों में ले आया है कमला। शंकर, शंकर। उसे एक बार फिर अपने दामन में छुपा लो कमला, उसे एक बार फिर अपने दामन में छुपा लो। ज्योति जी, आपको मोहिनी देवी ने बुलाया और उसके बाद बड़ी ठकराई ने भी याद किया। अच्छा, चलो 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 चलते हैं, हमारा काम यहाँ तो हो गया। पुजारिन, अगर ज्योतिषी ने ठीक हाल बताया हो तो कुछ इनाम ही दे दो। हाँ, मैं गरीब पुजारिन, एक जान किसी को और देने के लिए मेरे पास रखा ही। अच्छा ठीक है, हम मोहिनी देवी का कल्याण करके आते। चलो बच्चा। बीबी जी आइए। जोशी जी, बिरा जी। आज के दिमाग की रेखा तो बड़ी तेज है, तीर की तरह सीधी है, मगर ये मगर क्या ये दिल की रेखा बहुत टेढ़ी है। क्या मतलब? ये मैं आपको फिर बताऊंगा, इसने अभी एक और बड़ी खतरनाक बात मुझे दिखाई दे गई। इन्हीं कुछ दिनों में आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। धोखा?
वो कैसे? ये मत पूछिए। क्यों? ज्योतिषियों से सब कुछ नहीं पूछा करते, वो आदमी का पोल खोल लिया करते हैं। मगर जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो, क्या धोखा होने वाला है मेरे साथ? सुनना चाहती हो तो सुनो फिर। तुम आज तक बहुत से धन वालों को फंसा कर लूटने में कामयाब हो चुकी हो, लेकिन आजकल तुम एक ऐसे अमीर आदमी के चक्कर में फंसी हुई हो जो उल्टा तुम्ही को धोखा दे रहा है। तुम उसे अमीर समझे हुए और उसके पास एक ढीला भी नहीं, उसकी एक एक चीज गिरवी पड़ी हुई है। और उसकी नजर तुम्हारी उसी दौलत पर है जो तुमने दूसरों को उल्लू बना बना कर जमा की है। नॉनसेंस। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपना पोल न खुलवाइए मेम साहब। बदतमीज, पाखंडी, निकल जा यहाँ से। जाते हैं लेकिन हमारी दक्षिणा तो हमें दे दीजिए। बेहूदा बकवास करते हो, दक्षिणा मांगते हो। अरे इसमें हमारा क्या कसूर है मेम साहब? ये तो केतु राहु का योग है। मैं कहती हूँ निकल जाओ वरना जूते मार के निकलवा दिए जाओगे। साधु को जूते मरवाओगी तो ऐसा श्राप देगा कि उल्लू बोलेगा तुम्हारी नगरी। राहु उजड़ जाएगी बिल्कुल। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं जाता हूँ। आपके बगैर डर लग रहा था। ये बात थी मगर आपकी बला से कोई भले जिंदगी भर इंतजार करता रहे, आपको कामों से फुर्सत मिले तब ना। क्या बताऊं मोनी, ये जमींदारी का काम ही कुछ ऐसा बेढब होता है। मगर ये तो बताएं, जमींदारी में इतना क्या काम होता है? यही लेन देन लाखों का हिसाब होता है। मगर आपको तो लेना ही लेना है ना। देना तो किसी को नहीं पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? किसे? जिनसे कर्जा लिया होता। मगर तुम सब इन बातों की चिंता क्यों करती हो? क्यों नहीं, आपको चिंता हो और मुझे नहीं। क्या आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है? यही कुछ 4-5 लाख रुपया लिया है। जाइए, झूठ मत बोली। जिन पर 5 लाख का कर्जा होता है उनका चेहरा आपकी तरह होता है। अरे हमारे चेहरे पे मत जाओ रानी, वो तो उनके देखे से ही आ जाती है मुंह पर रोना। और फिर सच पूछो तो तुम्हारे पास होते हुए मुझे दुनिया की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि कर्ज का जागीर छीन लेंगे, सो छीन लें। मेरे पास तुम्हारे हुस्न की दौलत ही क्या कम है। हाँ मगर मुझे एक बात का अफसोस जरूर है मोनी, मैंने आज तक अपनी दौलत दोनों हाथों से दूसरों के लिए लुटाई है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे सका मैं। और फिर सोचता हूँ इसकी जरूरत भी क्या है, तुम्हें तो मुझसे सच्चा प्यार है ना। मैं भी कितना खुशकिस्मत हूँ। ठाकुर साहब, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर मेरी एक बात सुनिए। जो कुछ भी कहना आज कह लो रानी, मोहब्बत के ऐसे मौके फिर नहीं आने के। मैं कल वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? वहाँ माता जी अकेली हैं और आपको मुझे एक बहुत बुरा ख्वाब आया था। रात को ख्वाब आया था या दिन को ख्वाब आया था? देखो मजाक मत करो। मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, ये मजाक करने का मौका है? दो मोहब्बत करने वाले जुदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है मोनी? क्या कुदरत दो मोहब्बत करने वाले दिलों को हमेशा क्यों जुदा कर देती है? मैं तो मर्द हूँ, ये चोट खाकर भी जिंदा रह सकूंगा, मगर तुम तो औरत हो, तुम मेरे बगैर कैसे जियोगी? तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकोगी मोनी? मैं कल सुबह ही तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर एक शर्त पर। क्या? तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाओगी। देखो तुम्हारे दिल में अभी से मेरे लिए आंसू छलक आए हैं, इन्हें रोक लो, इन्हें अपनी आंखों तक ना आने दो, वरना मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी।
मिल गई फुर्सत? हाँ बिल्कुल फुर्सत मिल गई, हमेशा के लिए। कमल जानती हो क्या कह रही है? और मैं जानना भी नहीं चाहती। देखो कमल, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ा करो, मेरा दम घुटने लगता है कमल। ये सुनसान रातें गवाह हैं कि इन तारीखियों में एक डूबता हुआ इंसान तुम्हें कितने हजार सालों से ढूंढ रहा है कमल। मुझसे मुंह मोड़ोगे ना तो तुम्हें पाप लगेगा। मैंने तुमसे कब ना मोड़ा है शंकर, क्यों झूठी तुम मते लगाते? पर तुम्हारा क्या भरोसा है कमल, न जाने कब तुम मुझे बुरा समझ कर फेंक दो। क्यों, तुम्हें मुझसे यही उम्मीद है क्या? उम्मीद तो नहीं, सिर्फ डर है। अगर एक बार तुम अपने मुंह से कह दो तो ये डर भी दूर हो जाए। क्या कह दो? कहो नहीं कमल, सिर्फ इतना करो। क्या करो? एक बार इस पापी को अपने होठों से चूम लो, ताकि अमृत को पाकर इस मुर्दा जिस्म में फिर से जान आ जाए। मैं आंखें बंद की लेता हूं कमल, जो भी देना हो मुझे दे दो, जिंदगी या मौत। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी इस कदर वीरान थी कमल कि आज तुम्हें पाकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरी आंखों के सामने हो लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कमल। वो मुझसे यही कह रहा है कि शंकर ये सब एक वहम है, ख्वाब है, इसका यकीन मत करो। ये सपना तुम्हें फिर धोखा देकर चला जाएगा शंकर, इसका एतबार मत करो, इससे बचो, इससे बचो शंकर, इससे बचो। तुम सचमुच मेरे पास आई हो कमल, मुझे इसका यकीन दिला दो। मुझ पर आंसुओं का मैं बरसा दो कमल, ताकि मेरे रहम मेरे डर सब चले जाएं। शंकर कमल, कमल तुम मुझे इस नरक से निकाल कर न जाने किस देवलोक में लिए जा रही हो। अगर ये सपना भी है तो मैं इसे एक पल के लिए सारी जिंदगी की कीमत देने के लिए तैयार हूं। मैं सारी जिंदगी की कीमत देने के लिए तैयार हूं कमल। ठाकुर साहब, आप जिस चीज का सौदा कर रहे हैं उसकी कीमत देने के लिए आपके पास दाम नहीं है। बड़ी माँ, जो आत्मा संसार को त्याग चुकी है उसे तबाही की तरफ मत ले जाओ ठाकुर। हम तबाही की तरफ नहीं जा रहे बड़ी माँ, हम तो उससे बचना चाहते हैं। तबाही से बचना है तो भगवान की शरण में जाओ मूर्ख। इस तरह किसी को अपने मार्ग से भटकाते तुम्हारा दिल नहीं डरता? डर तो पाप में होता है बड़ी माँ, और प्यार पाप तो नहीं होता। तुम अंधकार में डूबकर अंधे हो गए हो ठाकुर, तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। प्रेम की ज्योत अंधों को भी रोशनी दे देती है बड़ी माँ। मैं अपराधी सही, लेकिन भगवान तो सच्चा प्यार करने वालों के अपराध भी क्षमा कर देते हैं। चलो कमल। कभी जाने या अनजाने में मैंने आपको कोई अपराध किया हो, क्षमा कर दीजिए बड़ी माँ। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया कमल, इस वक्त तुम पर दया करेंगे। आज प्रीत ने तोड़ दे बंधन की चमन प्यार भी मुस्कुरा दिया दिल में।
परी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। बदल गया समा, बदले जमीन आसमां, ऐसा बदल गया समा, बदले जमीन आसमां, छोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां, प्यार ने एक नया जहां। आई घटाई झूल के के हम परेशान मिटा दिया। जिंदगी जिंदगी न थी, तेरे कदम की आहटें बन गई मुस्कुराहटें, मेरा जहां बसा दिया। Thank you.
मत जाइए, ऊपर मत जाइए, आपको मेरी कसम ऊपर मत जाइए। आखिर ये क्या राज है, किसका भूत है ये? आप मुझे कुछ बताते भी तो नहीं। एक बहुत दुखदायी किस्सा है, इसे सुनोगी तो बेचैन हो जाओगी। मगर सुने बगैर भी तो चैन नहीं। देखो कमल, कल हमारा ब्याह हो जाएगा और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वहां जाके मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कमल, लेकिन यहाँ मुझसे कुछ मत पूछो। तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो कमल, विश्वास करो। कल सब तैयारी होगी। कल दो प्यार करने वालों का ब्याह हो रहा है, उसमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं। जब दिल से दिल की शादी होती है ना कमल, तो उसमें न बरातियों की जरूरत होती है न किसी हंगामे की। उसमें तमन्नाओं की बरात निकलती है और खुशियां गीत गाती है कमल। मांग का ये सिंदूर हमेशा पधारे की बेटी। नहीं बेटी, मैं तो वही पुरानी धायमा हूं तुम्हारी। नहीं माता जी। बेटी, तुम्हारे बिना ये घर अंधकार में डूब गया था। अब तुम आ गए हो तो यूं मालूम होता है कि अमावस की रात कहीं से चांद को चुरा ले। तूने मेरे ठाकुर को इतना इंतजार कराया बेटी। माता जी, ये मिठाई के थाल कहाँ रखने हैं? अच्छा बेटी, मैं अभी आती हूँ। क्या देख रही है मेरे तुम है? इस रूप में देखने की तमन्ना जन्मों से दिल में छुपाए बेटा। तुम क्या जानती हो सम दिल में तुम्हें कितनी सदियों से ढूंढ रहा। कोई देख लेगा, आपको तो लाज भी नहीं आती। आज सारे बंधन टूट जाएंगे और फिर अब कुछ मत कहो कमल, मुझे सिर्फ देखने दो। तुम्हारी इन आंखों में मुझे आने वाले दिन, आने वाली रातें, आने वाली जिंदगी दिखाई दे रही है। यूं मालूम होता है जैसे दूर किसी नीली झील में चांद की किरणों का एक महल बन गया और वहां पहुंचने के लिए सितारों की झिलमिलाती राह गुजर पड़ी। तुम और मैं कमल, स्वयं कृष्णानो वरुणस्य वाचाम्। अब आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए अपने अपने मन में एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास रख करके कहो। पहले आप कहिए ठाकुर साहब, आज से मैं कमला देवी को अपनी पत्नी मानता हूँ। मैं आज से कमला देवी को
ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। चले जाओ यहां से। मैं जब आता हूं मुझे आंखें दिखाते हो, मुझसे डरते क्यों हो? तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। कान खोलकर सुन लो ठाकुर। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। चले जाओ यहां से वरना धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। जो मन में आता है कह लो, जबान तुम्हारी अपनी है ठाकुर। लेकिन मैं ये ब्याह हरगिज नहीं होने दूंगा। एक बीवी के होते हुए तुम दूसरा ब्याह नहीं रचा सकते। समाज ने मुझे इसका अधिकार दिया है। तुम वो अधिकार बेच चुके हो। अपने हाथों से सौदा करके आज चोरी पर उतर आए हो। डूब मरो, जिसका खाते हो पहनते हो उसी का आज गला घोट रहे हो। डूब मरो। अरे ये दौलत की जागीर के जुए में जीत कर लाए थे। तुम अपना वचन क्या भूल गए ठाकुर? क्या तुम्हें अपना किया हुआ सौदा बिल्कुल याद नहीं? छी छी ठाकुर, मैंने आज तक तुम लोगों से कोई सौदा नहीं किया। मेरी माँ ने अगर तुम्हें कोई वचन दिया तो मुझे उनकी कोई खबर नहीं, और ना ही उनकी कुछ जिम्मेदारी है मुझ पर। मुझसे जहां तक हो सका मैंने तुम्हारी बहन का इलाज किया, उसकी सेवा की है, उसकी हिफाजत की है। इसके बदले में मैं तुम लोगों से कुछ नहीं चाहता। अपनी जागीर, अपनी ठकुराई, अपना सब कुछ वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज यहां से चला जाऊंगा। अब माँ का दिया हुआ वचन याद नहीं, पंडित का कराया हुआ लगन याद नहीं, और शायद ये भी याद नहीं कि शीला, जिसके नाम से तुम्हारे मुंह का रंग उड़ जाता है, वो तुम्हारी ब्याहता स्त्री है। डूब मरो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये खुद पागल है और हमारे नाम पर पट्टा लगाता है। मेरी बहन को पागल कहता है। वो तो अच्छी भली थी, इसी ने उसे पागल कर दिया, इसी ने उसका चैन लूट लिया, इसी ने उसे कुछ कर दिया। वो अच्छी वाली थी और मैंने उसे कुछ कर दिया। आप सब लोग मेरे साथ चलकर देखिए कि जिसे ये मेरी बीवी कहती है कोई इंसान उसके नजदीक भी जा सकता है या नहीं। कोई भूत या चुड़ैल नहीं, ये मेरी बीवी है, इस घर की लक्ष्मी है, मेरे दुख सुख की साथी है। अगर अपने कानून और समाज के मुंह की कालक देखना चाहते हैं तो जाइए और इस पागल औरत को अपनी आंखों से देखिए। ये तो फिर मुझे आप ही लोगों का मुझे भेजा गया, मेरा सुकून और मेरी खुशियां बेची गई, और सोने और चांदी की ईंटों के बस मुझे स्नागम के हवाले कर दिया गया है। डरो मत और अंदर आकर अपने इंसाफ की भयानक शक्ल को देखो, उस ईश्वर का न्याय देखो जिसकी इबादत के लिए तुम ऊंचे ऊंचे मंदिर खड़े करते हो, और फिर इस वैश्य औरत को देखो जिसकी हर सांस में जहन्नम के शोलों के बैठे, और फिर उस मासूम की आंखों की तरफ देखिए जिसमें स्वर्ग की छांव है, जिसकी हर बात कमल कमल कमल।
कमला, कमला दरवाजा खोलो, कमला, 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 मैं हूँ शंकर, दरवाजा खोलो, कमला, कमला, कमला। कितनी देर से आई हो? मैं कब से यहां खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ऐसे मालूम होता जैसे कई जन्म बीत गए। क्यों किसी दूसरी औरत के पति का हाथ छूना नहीं चाहती क्या? तुम सोचती होगी कि मैं कितना बुरा, कितना गुनाहगार। देखो कमल, जो तुम्हारे जी में आए मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन भगवान के लिए इस तरह चुप मत रहो कमल। जो कहना है जी भर के कह लो कमल। मैं जाना चाहती हूँ। तो गोया मुझे तबाह करना चाहती हो? मैं आपकी इज्जत बचाना चाहती हूँ। मैं यहां नहीं रह सकती। यहां रहने के लिए कौन कह रहा है कमल?
हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। नहीं। इसलिए कि मैं किसी दूसरी औरत का पति हो चुका हूं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें एक पति चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा हो, जिसकी हर चीज तुम्हारी हो, तुम्हें भी इंसान की हैसियत से प्यार है, उसकी जात से प्यार नहीं। तुम नहीं जानती हो कोई मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मगर शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं रहा। तुम सोचती होगी कि मैंने तुम्हें पहले से सब कुछ क्यों नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कमल कि मेरी परेशानियां सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है, और यूं ही मैंने परेशानियां ही समझता था कोई बंधन नहीं। मेरे नजदीक दुनिया का कोई बंधन ऐसा नहीं है जो मोहब्बत की आंधी के सामने खड़ा रह सके। और फिर तुम उस आंधी पर सवार होकर इन दिन को से क्यों घबरा रही हो कमल? चार दिन के ही तो थे मेरे पास, वही उड़ गए उस आंधी में। तुम तस्वीर का एक ही रुख देखकर फैसला कर रही हो, उस बेचारी की तरफ क्यों नहीं देखती जिसने कई सालों के बाद तुम्हें पाया है और अब किसी कीमत पर तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं। तुमने अधूरी कहानी ही सुनी है कमल, तुम नहीं जानती कि इतने सालों में मुझ पर क्या क्या गुजरी। जाने से पहले मेरी बर्बादी का हाल तो समझाओ कमल। ऐसी ही अंधेरी रात थी जब तुम मुझे वो मूर्ति देकर चली गई थी। मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ थी। हर आहट पर मेरी नजरें तुम्हारी खोज में दूर दूर तक निकल जाती थी। मेरा कदम तुम्हारी जस्तजू में कभी नहीं लड़खड़ाए कमल, लेकिन जंगल की पगडंडियों ने आखिर मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पैरों में कालीन का फर्श बिछा दिया गया, मुझे तबाही की आग में झोंक कर मेरे जिस्म को उजले और कीमती कपड़ों से सजाया गया। गुर्बत से डर के मेरी माँ ने मुझे भेज दिया और फिर इस सौदे के खुशी में जश्न मनाए गए। मैं अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहा था। मैं जानता था कमल के सोने और चांदी की इन तारों में छुपी हुई मौत मेरी तरफ आ रही है, और मैंने इस मौत को अपनी दुल्हन की पहली झलक में ही देख लिया। वो पागल थी कमल, उसकी मुस्कुराहट में जहर था, लेकिन मैं इस जहर के दाम ले चुका था। मेरे चारों तरफ एक डरावना अंधेरा था। इस तारीख जहन्नम से मैं कहीं दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन मुझे यूं मालूम होता था जैसे भयानक चुड़ैलें कहकहे लगाती हुई मेरा पीछा कर रही, मुझे चीख चीख कर पुकार रही थी। वो कहती थी कि शंकर ठहर जाओ, हमारे होंठ तुम्हारे खून के प्यासे हैं, हमारी सांस के शोले तुम्हें झुलस देने के लिए बेकरार हैं, ठहर जाओ शंकर, हमारी बात सुन लो। और फिर मैंने अपने लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। उनकी चीख पुकार उनकी झंकार में डूब गई, उनकी हंसी का जहर दूसरी मुस्कुराहटों में मिल गया। तबलों की थाप और साजों की आवाज से मेरे कान गूंज उठे। थोड़ी देर के लिए सिक्कों की रुपेली चमक से मेरे आसपास के सब अंधेरे कट गए। लेकिन जिल्लत की इन गहराइयों में सुकून कब मिलता है? अकेले में हमेशा मेरे दिल मुझसे कहता था कि शंकर तू अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल आया है। उस वक्त मैं तुम्हारी दिव्य मूर्ति को होठों से लगा लेता था। मैं दिल ही दिल में तुमसे क्षमा की भीख मांगा करता था कमल। एक अकेला भटका हुआ इंसान इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? और फिर जब मैं अपना सब कुछ खो चुका था, तब अचानक तुम सुबह के सितारे की तरह मेरे खंडरों में आकर झांकने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें उस मूर्ति को सीने से लगाए हुए देखा, तो मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया कमल, और मुझे यूं लगा कि जैसे मत,
बस करो, अब गुजरी हुई बातों को ना दोहराओ। ठीक है, गुजरी हुई बातों को दोहराने से फायदा भी क्या है, जबकि आने वाले दिन हमारे। अब मैंने तुम्हें पा लिया है कमल, तुम्हारा आना मुझे यूं लगता है जैसे खुद गंगा किसी पापी के घर चली गई। अब मुझे कोई डर नहीं है कमल। कमल मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे कहो कि चलो शंकर, हम दोनों दूर कहीं जाकर एक नई पवित्र दुनिया बसाए। नदी प्यासे के पास आकर सूख नहीं जाया करती कमल, मेरे करीब आओ। नहीं, क्या तुम मुझे फिर इस गुनाहों की दुनिया में अकेला छोड़कर खुद किसी पत्थर की बनी हुई चार दीवारी में बंद हो जाना चाहती हो? सोचा तो कमल, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी कितनी वीरान हो जाएगी। एक ऐसी रूह जो तुमसे प्यार करती है और जिससे तुम खुद भी प्यार किया करती थी, उसे इस तरह न ठुकराओ कमल। एक गुनाहगार जिसे तुम इंसान बना सकती, उसे इस तरह शैतान के हवाले न करो। वो फिर कभी इंसान नहीं बन सकेगा कमल। भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, वही आपको बचाएंगे। भगवान मुझे बचाएंगे, और तुम? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कमल। वो हाथ जो किसी की प्रार्थना के लिए उठ सकते हैं, किसी गिरते हुए इंसान को थाम भी सकते हैं कमल। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्या तुम्हारा धर्म यही है कि कीचड़ में गिरे हुए इंसान को तुम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते कि तुम्हारे सफेद कपड़े खराब हो जाएंगे? तुमने तो प्यार किया है कमल, तुम खुद और औरतों की तरह दुनिया की लोग लाज से क्यों डरने लगे? एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें कुछ नहीं कहता? मैं दिल की बात नहीं सुनूंगी, वो तो आपके प्यार में पागल है। मुझे सबका इम्तिहान न दीजिए, मुझे जान दीजिए। अब भी जाना चाहती हूँ मैं। तो जाओ, मैं अगर इस वक्त जाऊं तो तुम्हें जबरदस्ती भी रोक सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म मिलेगा कमल, तुम्हारी आत्मा नहीं मिलेगी। और खाली पिंजरा में ले जाना नहीं चाहता, खाली जिसमें तो मुझे बहुत मिले हैं कमल। कमल, अगर तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए प्यार नहीं है तो चली जाओ यहां से, और फिर कभी मुझे याद न करना। मेरे गुनाहों पर पछतावा नहीं होना कमल। भगवान तुम्हें शांति दे। कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन
सहारे तुम्हें दिल पुकारे, तुम्हें दिल पुकारे, बहाते हैं आंसू जुदाई में तेरी, ये अरमां बेचारे, ये अरमां बेचारे, कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन सहारे, तुम्हें दिल पुकारे, तुम्हें दिल पुकारे। नजर से गिरा के चले जाने वाले नजर से गिरा के चले जाने वाले उतर पाने वाले ये दिल ढूंढता है तुम्हारे इशारे तुम्हारे इशारे तुम्हारे इशारे ये दिल ढूंढता है तुम्हारे इशारे तुम्हारे इशारे तुम्हारे इशारे फरमान देखो तड़पते हैं आंखों में फरमान देखो ये तूफान देखो चले आव रोता है दिल गम के मारे ये दिल गम के मारे ये दिल गम के मारे चले आव रोता है दिल गम के मारे ये दिल गम के मारे ये दिल गम के मारे कहाँ हो कहाँ मेरे जीवन सहारे तुम्हें दिल पुकारे तुम्हें दिल पुकारे कहाँ हो कहाँ। अब तो संसार का कोई माया मोह नहीं रह गया। नहीं तो आपके पूर्णिमा को तुम्हारा प्राश्चित संस्कार कराएंगे। ठाकुर, ठाकुर, ये क्या कर रहे हो? बिजली इसकी जड़ों पर नहीं काट सकी, मैं इसकी जड़ें काट देना चाहता हूँ धैमा। कहाँ तक काटोगे बेटा? जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई में जाकर मिली हुई हैं, जिन्हें बिजलियां नहीं काट सकी उन्हें तुम कैसे काटोगे बेटा? तो फिर मैं क्या करूँ धैमा, जड़ें गहराइयों में क्यों चली गई? पागल मत बनो, चलो ऊपर चलो, चलो भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा धर्म डामाडोल कर रहे हो। उठो कमला, चार बज गए, आरती से पहले श्रृंगार कर लो, आज तुम्हारे प्रायश्चित की पूजा होगी। Thank you.
विषयत्व ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्मणत्वा। इससे पहले कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाए, संसार से माया मोह की कोई भी चीज तुम्हारे पास हो, उसे अग्नि देवता के अर्पण कर दो। किसी के साथ तुम्हारा संबंध नहीं रहा, कमल। शंकर, क्या हुआ? शंकर तुम कहाँ हो? शंकर, 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 जली हुई चीजें इकट्ठी कर रहे थे, मगर ये हवेली कैसे जल गई? ठाकुर साहब की पगली बेबी ने आग लगा दी। मगर जानी तो सबकी बच गई। नहीं, कौन? पगली मर गए, मगर ठाकुर साहब तो बच गए। वो न बचते तो अच्छा था। क्यों, क्या हुआ? कहाँ चले गए? पुराने मकान में जहाँ वो पहले रहते थे। कौन हो तुम? कमला। कमला, 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 आज तुम इस वक्त यहां कैसे आ गई? रात हो गई है क्या? अभी तो दिन निकला है शंकर।
सिर्फ रात के वक्त सपनों में आया करती हो ना? मैं सपनों की कमला नहीं हूं शंकर। मैं अंधा हो गया इसलिए मुझे धोखा देना चाहती हो। कमला यहां कभी नहीं आएगी। मैं अंधा हो गया हूं, अब मेरे पास है क्या? वो तो भगवान की दासी है, उसे पत्थर की मूर्तियों से प्यार है। वो किसी इंसान के पास क्यों आएगी? मगर तुम्हारा प्यार। प्यार? औरत को प्यार से क्या हर्ज है? तुम तो केवल सपना हो, मेरी अपनी कल्पना, इसलिए मेरे पास चली आती हो। तुम आंसू बहा रही, तुम भी आज आंसू बहा रही हो, मगर हमदर्दी के इस एक आंसू के लिए तुमने मुझसे कितनी बड़ी कीमत वसूल की है, कितनी बड़ी कीमत। शंकर, शंकर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। मैं तुमसे नाराज करूं? तुम तो सिर्फ एक सपना हो। अगर सचमुच कमला भी आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा, मैं तो अब भी उससे प्यार करता हूं। मैं तो अब भी उससे प्यार करता हूं। मैं तो अब भी उससे प्यार करता। शंकर, कमला आई है और तुम उसे पहचानते भी नहीं। मैं तो अंधा हो गया हूँ, तुम भी मेरी तरह सपने देखने लगे। नहीं पगली, ये सपना नहीं, सचमुच की कमला है। सचमुच की कमला है? हाँ। उससे कहो ना कि मुझे आवाज दे। शंकर, कमला, कमला, शंकर, कमला, नहीं शंकर, मैं तुम्हारी कमला हूँ। मैं जानता था तुम एक दिन जरूर आओगे, मगर अपने प्यार से नहीं, मेरे प्यार से कमल। शंकर, मुझे माफ कर दो शंकर, शंकर मुझे माफ कर दो। मगर कितनी देर से आई हो समझे, कितनी देर से आई, कितनी देर से आई।